अस्सलाम वालेकुम भाई मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। भाई आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पे बात करनी है। पहला तो ये है कि उस्मान खान पर लग चुकी है 5 साल की पाबंदी। अब ये पाबंदी क्यों लगी है, किसने लगाई है और किस वजह से लगाई है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमने IPL के मैच के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, उस पर बात करनी है जो कि खेला गया है चेन्नई और हैदराबाद की टीम्स के दरमियान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक जो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, वो ये है कि फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट करें, जितना हो सके इसराइल और उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। आप अपनी गुंजाइश, अपनी सीध के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो लाजमी करें, क्योंकि जो साबिक इख्तियार लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है और जो कुछ मखसूस अदारे हैं, उनको तो अपनी जेब में भरने से फुर्सत नहीं है और उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, और अगर जा भी रहे तो वो आँखें बंद करके बिल्कुल उन्होंने लापरवाही का इजहार कर दिया है। तो आप लोग जितना हो सके इनको सपोर्ट करें। तो बात करते हैं स्टार्ट में उस्मान खान के बारे में। उस्मान खान असल में पाकिस्तान के रहायशी हैं और उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टार्ट भी पाकिस्तान से किया। पाकिस्तान में वो खेलते भी रहे हैं और उनको कोई मुस्बत मौका नहीं मिल सका अपने फ्यूचर को लेकर। तो जाहिर है घर वालों का पेट पालना था, तो उसके लिए वो मूव कर गए थे, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मूव कर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना कैरियर जो है उसको जारी रखा। साथ साथ वो काम भी करते रहे और क्रिकेट को भी खेलते रहे, और वहाँ पर उन्होंने क्लब क्रिकेट भी स्टार्ट कर दी और वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट का जो है ना वो अपना सेटअप बना लिया था। और PSL 9 में वो गैर मुल्की प्लेयर के तौर पर शामिल हुए थे मुल्तान सुल्तान की टीम में, और ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 2 PSL सीज़न खेले हैं और 2 में उन्होंने 3 सेंचुरीज बना दी, जिसमें 2 तो उन्होंने PSL 9 के 2 मैचेस में लगातार सेंचुरीज बना दी थी, जिसकी वजह से वो हाईलाइट में आ गए हैं, टॉप लाइन पर उनका जो है शुमार होने लग गया कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर ये सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया उस्मान खान से कि आप अगर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे, बोर्ड के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आ सकते हैं। और पाकिस्तानियों का प्यार मोहब्बत देखते हुए और जज्बा मोहब्बत वतनी में उस्मान खान ने भी ये फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात थी वो ये थी कि उस्मान खान पर मेहनत की है, पैसा लगाया है जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बोर्ड ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने, ECB एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा लगाया है। हालांकि जो उनकी लीग है ILT इंटरनेशनल लीग T20, जहाँ पर प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, और वहाँ पर उस लीग, वो ऐसी लीग है कि उस लीग में 9 फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं और 2 लोकल प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम में, और उन 2 लोकल प्लेयर्स में से एक उस्मान खान भी थे जिनको वो अपने उस टीम में वो प्रमोट करते थे, खिलाते थे। तो इसका मतलब है कि अगर इतने लोगों में से उस्मान खान सेलेक्ट हो रहे हैं तो उन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा लगाया है और अपना टाइम दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में ECB ने उस्मान खान पर पाबंदी लगा दी है 5 साल के लिए, कि 5 साल के लिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी है ECB की तरफ से कि उनके बोर्ड लेवल पर जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, जितने भी मैचेस खेले जाएंगे, कोई भी लीग होती है जैसे कि ILT है तो वो आप नहीं खेल सकते 5 साल के लिए। इसके अलावा कोई भी और अगर कोई लीग, कोई टूर्नामेंट होता है, T10 है, ये भी उनका ही है, ECB की तरफ से ही होता है, तो वो आप नहीं खेल सकते 5 साल के लिए। अब ऐसे में उस्मान खान के लिए जो लम्हा फिक्रिया है या सोचने वाली बात है वो ये है कि एक तो पैसा उस लीग में ज़्यादा होता है, पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा कम है। दूसरा, अगर पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलते हैं तो आप पर पाबंदी ये है कि आप साल में 2 लीग्स खेल सकते हैं, एक तो आप PSL खेलेंगे, दूसरी आपके पास ILT का ऑप्शन था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। IPL वाले हैं पाकिस्तानियों को वैसे नहीं खिलाते, वहाँ से ख़त्म करके आपने IPL का ऑप्शन भी ख़त्म कर लिया अपना। इसके अलावा कोई और लीग आपको पता नहीं बुलाए ना बुलाए, खिलाए ना खिलाए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है या वो श्रीलंका की प्रीमियर लीग है, तो ये को ले दे कि कुछ चंद एक ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में उस्मान खान की परफॉर्मेंस का बहाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस्मान खान इस वक्त पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप में शामिल हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा भी होंगे। लेकिन जिस पोजीशन पर उस्मान खान खेलते हैं उस पोजीशन पर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मौजूद है। अब ज़ाहिर है उनका नंबर चेंज करना पड़ेगा या उसी नंबर पर भी खिलाते हैं, तो उस्मान खान की फॉर्म का बहाल रहना बहुत ज़रूरी है, वरना माजी में भी हमने देखा है कि ऐसे प्लेयर्स, ऐसे स्टार्स जो कि रातों रात स्टार्स बने, वायरल हुए, टीम में आए हैं लेकिन उन फॉर्म में वो नहीं बहाल कर सके, नहीं खेल सके और उनको 1 या 2 सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फरहान साहब ज़्यादा हैं, सैफुल्ला हैं और भी काफ़ी नाम है, तैयब ताहिर हैं, इस तरह के काफ़ी नाम हैं जो कि हमने ड्रॉप कर दिए कुछ ही दिनों बाद। तो उम्मीद करते हैं उस्मान खान अपनी फॉर्म को बहाल रख पाएंगे और उन्हें ज़्यादा अफसोस नहीं होगा अपने इस फैसले पर
कि उन्होंने क्यों ईसीबी को छोड़कर पीसीबी को सिलेक्ट किया और अपने लिए दरवाजे बंद करवा बैठे और अपनी क्रिकेट ख़राब कर बैठे, उम्मीद करेंगे कि उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं जी, आईपीएल में खेले गए मैच जो कि खेला गया है चेन्नई और हैदराबाद की टीम्स के दरमियान। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा था आईपीएल, तब सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने ये बात की थी कि वो चाहते हैं कि इस साल हैदराबाद अग्रेसिव क्रिकेट खेल ले, और इस बात को हैदराबाद वालों ने इतना दिल पे ले लिया, इतना सीरियस ले लिया है कि अब वो ना कोई भी टीम है ना, इंडिया के टॉप थ्री कप्तान जो हैं जिसमें नंबर वन पर धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये तीन उनके बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े कप्तान हैं, तीनों को ये बंदा हरा चुका है और ठीक ठाक मार्जिन से हरा चुका है। मुंबई इंडियंस यानी कि रोहित शर्मा के खिलाफ तो उन्होंने वो हाईएस्ट स्कोर भी मार दिया, 277 रन मार दिए थे, विराट कोहली को भी उन्होंने हरा दिया, और अब इस मैच में धोनी को भी उन्होंने हरा दिया और ठीक ठाक मार्जिन से हरा दी है। सीएसके ने पहली बैटिंग की, यार एक तो ना जो बता कप्तान बनता है उसकी पता नहीं फॉर्म क्यों चली जाती है, ऋतुराज गायकवाड़ इतना पहले अच्छा खेल रहा था, हर मैच में कोई 50 या आए दूसरे तीसरे मैच में कोई 50 मार दे दी उसने, या कोई अच्छी फॉर्म देकर अच्छी बारी खेलकर उसने ना अपना एक इम्पैक्ट बनाया हुआ था। अब जैसे ही उसको कप्तान बनाया है तो उसमें भी वो बाबर आजम वाली खामियां आना शुरू हो गई हैं, कप्तानी पे जोर हो गया है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो जीरो होना शुरू हो गई है। दूसरा, जिनके रहने को ना तो टीम से निकाल देना चाहिए, या 30 बॉलों में 35 रन की इतनी कुछ स्लो इनिंग्स खेल के गए ना कि फैंस जो है बोर होना शुरू हो गए थे वहाँ पे बैठे बैठे। वो शिवम दुबे आया, उसने को थोड़े से मजे करवाए हैं आवाम के साथ, जडेजा ने को मिल के थोड़ा सा स्कोर ऊपर पहुँचाया है, वो 165 तक लेके गए हैं 20 ओवर्स में। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बाकी सारा मैच एक तरफ, जो धोनी ने एंड पर आकर दो बॉल्स खेली हैं, उसने एक रन किया है और वो दो बॉल्स पे ही फैंस इतने एक्साइटेड हो गए थे, इतने वो पुरजोश हो गए थे, या चेन्नई की फैन बेस तो समझ जाती है, हैदराबाद की फैन भी बोल रहा है वो धोनी 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 के नारे लगा रहे थे। तो नो डाउट धोनी का एक क्रेज़ है भाई आईपीएल में, बल्कि आईपीएल के अलावा पूरे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए तो ये 165 स्कोर कोई मुश्किल ही नहीं हुई। अभिषेक शर्मा यार ये बच्चा इतना खूबसूरत खेल रहा है, 17 बॉलों पर 35-36 रन इसने मारे हैं और एक ही ओवर में मैच को ना एक साइड पे लगा के रख दिया, इतना अच्छा खेल रहा है। और साथ वो ट्रेविस हेड आता है, उस बंदे को मूछों वाले को पता नहीं इंडियन बॉलर्स को देख के, इंडिया वालों को देख के हो क्या जाता है, वो वैसे ही हो जाता है, इतना उसने मारा है। फिर से ये दो प्लेयर्स ही मैच को ना शुरू में एक साइड पे लगा के थे, रही सही कसर आके वो एडन मैकर में निकाल ली, 50 वो मार गया बड़े आराम के साथ उन्होंने, अभी 10-11 बॉल्स रहती थी, बड़े आराम के साथ उन्होंने ये वाला मैच जो है वो जीत लिया, रन आसानी के साथ चेज़ कर ली है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में वजह भी बता दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।